गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता गाइस। और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज अपनी जिंदगी का पहली बार बस में ट्रिप तो की है पहले, लेकिन जिंदगी में पहली बार 20 घंटे का ट्रैवल करेंगे बस से। तो ज्यादा टाइम नहीं है, 10-15 में हमारी बस खुलेगी और यहाँ पर 9:05 हो चुका है। तो जल्दी से चलते हैं, फटाफट बस छूट जाएगा तो फिर ब्लॉग भी नहीं बन पाएगा, तो पहले बस पकड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट। रात में मेरा स्टे कोलकाता में मस्त एकदम फ्री हुआ, ये भाई साहब की कृपा है। कैमरा फेस में तुम वेल मैनर्ड बिहेव कर रहा है ना। टिकट बुक कराने टाइम जो बस स्टैंड जो था वो था बाबूघाट, लेकिन एक बार ट्रिप स्टार्ट होने के पहले कंफर्म हो लेना चाहिए। तो फिर हम लोग को पता चला कि ये अब दूसरे जगह से बस खुलेगी जो कि है खिदिरपुर ट्राम डिपो। बस पहुंच जाए। तो हम लोग का लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था, पहले तो खिदिरपुर था, पहले बाबूघाट था, फिर खिदिरपुर हुआ, फिर अभी दही घाट हो गया। तो हमको लगता है कि पहुंच गए हैं, शायद बस है ये। तो एक्चुअली बस का सेटिंग जो है वो ट्रेन से कम नहीं है और हम लोग निकल चुके हैं, बस खुल चुकी है, सेफ जर्नी अच्छे से हो जाए। ट्रेन का टिकट मेरे को अराउंड 2000 रुपीस का पड़ा, तो ट्रेन से कुछ कम नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 2000 वर्थ इट है। अगर 1500 में मिल जाता है तो और अच्छा। अभी आप लोग को देते हैं अपने बस सीट का टूर, क्या क्या है मेरे बस में। मेरे बस में मतलब बस में, मेरे बस में नहीं है कुछ। ये फ़ोन रखने का, ये है चार्जर, ठीक है, पंखा हो टेढ़ा मेरा हो जाता है, आगे पीछे कुछ होता है, हाँ इधर भी है दो पंखा पैर में लगने के लिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। यहाँ पर बोतल रखने वाला है, यहाँ भी बोतल रखने वाला है। ओह, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, खोलना पड़ता। अरे ये दूसरा तरफ का, ओहो, और फिर यहाँ पर ऐसे शूज रख सकते हैं अंदर घुसा के, लेकिन मेरा जूता थोड़ा बड़ा है तो फिर अट नहीं रहा है, वो चीज़ है प्रॉब्लम। यहाँ पर इनबिल्ट ऐसे करके ये है बेड तो है ही, ये है तकिया। और एक किस्मत वाला बात ये है कि मेरे इस साइड का भी पूरा सीट खाली है और मेरे उस साइड का भी पूरा सीट खाली है, मतलब कोई पड़ोसी नहीं, फुल बेड, फुल एंजॉय। अच्छा एक्सपीरियंस, पहली बार मजा आ रहा हमको। ओहो, सोते हुए जाएंगे बस 20 घंटा ट्रेन में। एक्चुअली दिल्ली से मेरे होम टाउन भागलपुर आने में 20 घंटा तो लगता ही है, 20 से ज़्यादा ही घंटा लगता है। तो हमको लगता है कि 20 घंटा का जर्नी करना मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बस से क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े, क्योंकि बाथरूम नहीं होता है बस में। 10:40 हुआ है, बस खुले हुए हुआ है 20 मिनट और हमको आने लग रहा है नींद। बस लंबे होने का एक नुकसान ये है कि पैर नहीं अटता यार कहीं पर। देखो सोए भाई, यहाँ पर तो ऐसे सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं या फिर ऐसे ऐसे ठीक पैर फंसा के। जिंदगी में पहली बार किसी को 10,000 रुपए का पेट्रोल भरवाते हुए देखे। तो अभी बज गया है अराउंड 2:30 और हम लोग लंच के लिए रुके हैं। और यहाँ आने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि हम लोग ओडिशा घुस चुके हैं, क्योंकि सारा कुछ ओडिया में लिखा हुआ है। बस वाले भैया बोले थे कि बस 20 मिनट रुकेगा, तो हम लोग को जल्दी से करना पड़ेगा जो भी है। लंच हो गया और 120 रुपीस पर प्लेट था लंच और उसके बाद एवरेज, बट ओके जो है उसे काम चलाना पड़ेगा। और मेरा मन है अभी कुछ स्नैक्स लेने का, तो कौन सा स्नैक्स लें, चिप्स बहुत पसंद है।
इतना चिप्स देख के लोग पागल हो जाता है कि इतना चिप्स अकेले कैसे खाएगा। अरे यार डोंट जज। अब हमको लगता है कि अब रात में 8 बजे एक बार रुकेगा गाड़ी डिनर के लिए, और पता नहीं कहाँ पर रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ मोशन सिकनेस नहीं हो रहा है। खाली कभी कभी ये जो लेदर है उसके कारण एक अजीब सा मतलब फील होता है, उल्टी वाला, बट ओके। ट्रैवल करने का एक यही फ़ायदा है कि ये सब चीज़ मैनेज हो जाता है मस्त एकदम। और इसके बाद क्या करेंगे, बस एक ही ऑप्शन है भाई, सोएंगे मस्त एकदम। तो अभी बज रहा है शाम का 7:30। अंधेरा जब हुआ तब ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे व्लॉग वाला लाइट को छोड़ के और कोई लाइट है ही नहीं होता, तो पूरा अंधेरा। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। और उसके बाद उठने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि एक वो जो मस्ट भांडर लस्ट वाला चीज़ जो होता है वो वाला ये वाले खिड़की में नहीं कर सकते हैं। खो गए हम कहाँ। हम लोग अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। भुवनेश्वर हम लोग 9 बजे के करीब पहुँच जाएंगे। 10:30 बज गया और भूख थोड़ा ज़ोर से लग रहा है, लेकिन भूख से ज़्यादा ज़ोर से लग रहा है सुसु। हाँ उड़ीसा में ही है, क्योंकि बोर्ड में अभी भी उड़िया ही लिखा हुआ था। तो आंध्रा हमको लगता है कि डिनर करने के दो घंटा बाद हम लोग आंध्रा घुस जाएंगे मेरे हिसाब से, पता नहीं। और मेरे हिसाब से हम लोग डिनर करने के लिए 5 मिनट में रुक जाएंगे। भी एग्जैक्टली हो रहा है 10:30। बहुत मस्त एकदम 5 स्टार वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी हॉलवे में 5 स्टार होटल के। बहुत मस्त, अच्छा एस्थेटिक, बट सीट के पास लाइट नहीं है। काफ़ी लेट कर रहे हैं लोग, बस छोड़ के नहीं चल रहे। थोड़ा हड़बड़ी में हम लोग को खाना पड़ा, बाप रे। खाना ठीक था बट दाल जो है वो कटोरी में नहीं देके बाल्टी में दी, और 40 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, बहुत गुस्सा आ रहा उसके ऊपर। और जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए एक नान खाए, एक नान का 20 रुपए, और वो बाल्टी, इनफैक्ट हम लोग एक हाफ प्लेट, अगर बाल्टी भी रहता तब भी 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़, लेकिन अगर कटोरी में रहता तो वही 50 रुपीज़, और वो 120 रुपये लिया। बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, दौड़ते हुए आना भी पड़ा, और बस तब भी 10 मिनट बाद ही खुली। खाना तो अच्छे से खा नहीं पाए, बट एक फ़ायदा है कि खाना कम खाना चाहिए ऐसे ट्रैवल में, क्योंकि बस में जो है वो वहाँ वॉशरूम नहीं होता है बस में। अब रात में खेत वेत में जाना पड़ेगा, सांप वाँप डस सकता है। आप जब भी खाना खाएं तो दाल कटोरा में लें, बाल्टी में नहीं लें, लाइफ हैक। Artistic 6:41 हो रहा है और हम लोग बस पहुंच गए। बस जल्दी से सारा सामान पैक कर रहे हैं, जो जो सामान निकला हुआ था, उसके बाद उतरेंगे। और टाइम नहीं है क्योंकि बस रुकेगा तो 5 मिनट वहाँ लैक होने लगेंगे कि जल्दी उतरिए, तो जल्दी हम लोग उतर रहे हैं। थैंक यू भैया। ऊबर बुक करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हम लोगों को होटल था आरटीसी कॉम्प्लेक्स में, होटल बहुत बगल में है, क्या कर सकते हैं। पूरे बस में बेबस हो गया था मेरा मन ये करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कर पा रहे हैं खुली हवाओं में, खुले होटल में। ओहो, और अब पहुँच चुके अपने होटल रूम। होटल एवरेज है बट गाइस वी आर इन वाइजैग।